अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और अभी जो है ना सुबह हो चुकी और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं निकला हूँ बाहर पार्किंग में अपने कंपाउंड की। और अभी माहौल देखने जा रहा हूँ बाहर का, और सामने जा रहा हूँ वहाँ पे जो है ना कबूतर वगैरह आते हैं, तो उनको देखने वॉक भी करनी है। उसके बाद फिर मुझे वैसे मतलब 1 घंटे बाद जाना है किसी काम से, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया था और चाय पी के अभी आया हूँ बाहर। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये है कि उन कबूतरों को भी व्लॉग भी लेंगे, इस वजह से मैं आया हूँ बाहर। तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस अभी बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, और यहाँ पे बहरिया टाउन स्कूल की बसें जा रही हैं। ये सामने एक ये यहाँ पे कबूतर है, तो गाइस इनको जो है ना कुछ खिला देते हैं यहाँ पे अभी। तो अभी बस इनके क्लोज चलते हैं और यहाँ पे बाजरा थोड़ा सा देंगे, है तो कम ही। ये लोग तो सारे वहां जाते जा रहे हैं। अब वहां जाएंगे तो ये आगे चले जाएंगे। हमें स्लो स्लो जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा खिला के बाजरा फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि जो है ना सर्दी बहुत ज्यादा है। तो अभी इनको कुछ खिला देते हैं। ये लोग यार वो बहुत जो है ना दूर चले गए और नहीं खा रहे, तो ये है कि ये लोग खा लेंगे। मैंने तो रख दिया थोड़ा बहुत और वहां पे भी रख रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझसे बात भी नहीं की जा रही। तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि कबूतर तो भाई रुके ही नहीं, वो जितना भी हम आगे जा रहे थे वो और आगे चले चलते जा रहे थे, तो इस वजह से अभी आगे चलते हैं। ये सामने मस्जिद और ये टावर 7 है। ये बहरिया की बसेस जा रही हैं स्कूल के लिए, और आज जुम्मा है तो आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी 7 बज रहे हैं तो पहले सो जाएंगे वापस, शायद मैं सो जाऊं, अभी ये काम था बाहर तो इस वजह से आया था। तो ये है कि अभी जो है ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो अभी देखते हैं और अंदर चलते हैं आज। तो गाइस अभी जो है ना कबूतरों को खाना खिलाना था, तो वहाँ से तो होके आ गए, और अभी मैं जाऊँगा घर पे नाश्ता करूँगा। अभी जाते हैं घर पे और नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो नाश्ता करके फिर वापस मुझे सोना है, और फिर जुम्मा की नमाज़ को जाना उठेंगे। अभी मैं सिर्फ ख़ास इसी वजह से उठा था कि मुझे जाना था कबूतरों को खाना देने, तो वहाँ पे उनके लिए मैं रख के आ गया हूँ बाजरा। अभी नाश्ता करना है, और उससे पहले टेरेस दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा टेरेस, ये कंपाउंड एरिया में ही लगता है बिल्कुल। असल में ग्राउंड फ्लोर है हमारा घर, तो इसीलिए जो है ना टेरेस भी हमारा कंपाउंड एरिया में ही आता है। तो अभी फ़िलहाल यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, जब तक नाश्ता वाश्ता आता है, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। कैमरा को सीधा कर लेते हैं। तो गाइस अभी ये है कि अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं, और नींद नहीं आ रही थी मुझे, और ये है कि व्लॉग चलता रहेगा जब तक हम बैठे हैं, व्लॉग तो चलता रहेगा। जैसा भी बन रहा है व्लॉग रोज़ पोस्ट होगा और रूटीन में बनेगा व्लॉग इंशाल्लाह। और व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की वो भी इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा
कि क्या वजह थी स्टार्ट करने की। कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस ये था कि दोस्तों ने कहा था कि भाई व्लॉग स्टार्ट करो तुम, और मुझे ही कहते थे ख़ास। तो ये है कि मैंने व्लॉग इस वजह से स्टार्ट किया और बैठा हूँ टेरेस पे। लोग जा रहे हैं अपनी जॉब्स पे और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। नाश्ता आ चुका है और अभी बैठ के नाश्ता करते हैं आराम से। और ये है कि नाश्ता बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बहुत दिल चाहता है नाश्ता करने को, आपको पता है। ये तो नाश्ते से हो चुके हैं फ्री, और ये है कि अभी बस थोड़ी देर में सोच रहा हूँ सो जाऊँ। 8:30 हो रहे हैं अभी, तकरीबन 8:30 बजे हैं। टाइम आपको शायद नज़र आ गया हो, तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। सुबह के 8:30 हैं, तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर 12 बजे उठते हैं और फिर जाते हैं नमाज पे। सही है, नींद आ रही है थोड़ी बहुत। 12 बजे उठेंगे, नमाज पे जाएंगे, रास्ते में कोई मिला तो उसको भी साथ ले लेंगे व्लॉग में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन है तो व्लॉग अच्छा बनेगा इंशाल्लाह आज का। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं नमाज पे जाके। तो गाइज़ अभी नमाज पे आ चुके हैं और अभी बस मस्जिद के सामने हूँ। और ये है कि अभी फ़िलहाल तो नमाज में टाइम है, अभी 1:20 हो रहे हैं और 1:45 पे शुरू होगी नमाज। तो अभी चलते हैं अंदर मस्जिद में, अंदर खुतबा चल रहा है तो अभी खुतबा चल के सुनते हैं अंदर, और अंदर चल के बैठते हैं मस्जिद में। जानने के बावजूद कि हमें सब कुछ पता है, ए जिब्राइल जा मेरे महबूब के पास, उनसे पूछे वो क्यों रो रहा है। आकर अरस के अल्लाह के रसूल क्या इसको मतलब, साइड पे रख देते हैं कहीं पे, क्योंकि वापसी में बहुत ज़्यादा रश होती है, तो ये लोग जो है ना तेज़ तेज़ आते हैं और सैंडल गायब हो जाता है। तो अभी चलते हैं मस्जिद में अंदर। तो अभी चल के देखते हैं क्या बना है खाने में। गरम है ये, पहले इसको उठाते हैं। बिरयानी बनी है, ये है कि अभी बस बिरयानी खाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कैसी है बिरयानी। तो बहुत अच्छी होगी क्योंकि देख के मतलब लग रहा जी। है। तो बिरयानी बन चुकी है और अभी बस बिरयानी खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसी है। अच्छी बनी है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि अभी बिरयानी खाते हैं आराम से बैठ के और उसके बाद फिर कहीं बाहर जाते हैं। आपको मैं बिरयानी दिखा देता हूँ। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और इसमें जो है ना टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है। अब टेस्ट कर खाते हैं आराम से। One hour later. अभी मैं आया हूँ ड्रीम मार्ट पे और ये ड्रीम मार्ट आपको दिखाता हूँ सही से। तो ये व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है और अभी जो है ना शाम के 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं ड्रीम मार्ट का थोड़ा सा चक्कर मारने आया हूँ, कोई काम नहीं है खास। और ये मेरे शोहाब भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। का ड्रीम मार्ट थोड़ा दिखाएंगे अंदर से और उसके बाद वापस आएंगे। कुछ खास काम नहीं था, लेकिन ये है कि मैं ड्रीम मार्ट अंदर राउंड मारने आया हूँ और थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ ड्रीम मार्ट। रेफा भाई क्या हाल है, कैसे हैं भाई? मिठू के भाई, मिठू को। तो ये हैं उजैफा भाई हमारे टावर के, तो इनसे भी आप मिलें। तो अभी ड्रीम मार्ट आपको अंदर से सारा दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे माशाल्लाह से हर चीज़ अवेलेबल होती है और ये प्रीसेंट 19 का बहुत अच्छा शॉप है और यहाँ से ही हम सारी चीज़ें लेते हैं, किसी चीज़ की माशाल्लाह से कमी नहीं है। और जो भी काम होता है हम लोग ड्रीम मार्ट ही आते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और अभी जाते हैं आगे और मुझे ATM यूज़ करना है, तो ATM यूज़ करेंगे उसके बाद फिर घर जाएंगे। ये ड्रीम मार्ट का स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम।
सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अभी दोस्तों में, तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अभी दोस्तों में, और उससे पहले कुछ सामान लेना था तो ये मैंने ले लिया है, वो रखते हैं यहाँ पे और अब चलते हैं दोस्तों में। तो देखते हैं अभी वहाँ कौन कौन है और किस किस से मुलाकात होती है, तो फिर वहीं जाके मिलते हैं। अभी मैं हूँ यहाँ नान कॉर्नर के बिल्कुल सामने, और ये है टावर 8, और ये मस्जिद। तो फिर वहीं दोस्तों में जाके मिलते हैं, उससे पहले मुझे घर सामान देना है तो वो देंगे। तो गाइस अभी वहीं चल के मिलते हैं जी। तो मैं घर पे आ चुका हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मैं दोस्तों में गया था, वहाँ पे असल में व्लॉग नहीं बन पाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।